सो ये वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स फॉर सिक्स स्पीड गियरबॉक्स। सो हम ये जो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम पहले देखते हैं। सो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्पीड स्टेप्स कितने हैं, जो अपने केस में सिक्स है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ स्टेजेस, सिक्स स्पीड्स अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेजेस लगने वाले हैं वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूलीज, जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल फार्मूलीज है सिक्स स्पीड गियरबॉक्स के लिए वो हम लिखने वाले हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल फार्मूलीज फिजिबल है उनको हम सेपरेट आउट करने वाले हैं। जो फिजिबल फार्मूलीज है वो सेपरेट आउट कैसे करते हैं ये हम सबसिक्वेंट स्लाइड्स में देखने ही वाले हैं। और उसके बाद जो फिजिबल स्ट्रक्चरल फार्मूलीज है उनके लिए ही हमें स्ट्रक्चरल डायग्राम्स निकालने हैं। तो ये ओवरऑल हमारा फ्लो रहेगा ये वीडियो के लिए। सो जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो हमें पहले निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्टेजेस निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूलीज है, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी दैट। सो नंबर ऑफ स्टेजेस हमें पता है, नंबर ऑफ स्पीड स्टेप्स हमें पता है सिक्स, टोटल नंबर ऑफ स्पीड स्टेप्स आर सिक्स। सो फॉर दैट सिक्स स्टेप्स हाउ मेनी स्टेजेस आर रिक्वायर्ड दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो उसके लिए जो पहला फार्मूला है वो है कैपिटल एन इज इक्वल्स टू लॉग जेड अपॉन लॉग पी। ये कैपिटल एन दिखाता है नंबर ऑफ स्टेजेस, जेड इज द नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स और नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड स्टेप्स, और पी इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ स्पीड स्टेप्स इन ईच स्टेज। हमारा जो गियरबॉक्स है वो मल्टी स्टेज गियरबॉक्स होने वाला है, सो हर एक स्टेज में कितने स्पीड्स है वो इंडिकेट कर रहा है पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर पी एज टू। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला में हमें पी का वैल्यू एक तो टू लेना है या फिर थ्री लेना है। पी इज आइदर टू और थ्री फॉर दिस फॉर्मूला। सो इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, सो एन वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.58। ये जो वैल्यू आ रहा है इट इज नॉट अ कंप्लीट इंटीजर, इट इज इन फ्रैक्शंस, सो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 2.58 नंबर ऑफ स्टेजेस। हेंस वी नीड टू प्रोसीड फर्दर, वी नीड टू पुट लॉग जेड अपॉन लॉग पी। ये फॉर्मूला में हमें पी अभी पुट करना है 3। सो इफ वी आर गोइंग टू पुट पी एज 3 मींस जो भी स्टेजेस आएंगे उसमें हर स्टेज में 3 स्पीड स्टेप्स रहने वाले, ये मीनिंग हो रहा है 3 का। सो कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर हमें मिल रहा है वो है 1.63। अगेन इट इज इन फ्रैक्शंस, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें पी का वैल्यू 2 या 3 पुट करने के बाद भी कंप्लीट इंटीजर नहीं मिल रहा है, सो वी आर गोइंग टू यूज सेकेंड फार्मूला। द सेकेंड फार्मूला इज जेड इज इक्वल्स टू 2^n1 इंटू 3^n2। सो ये फार्मूला में n1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेजेस विथ 2 स्पीड स्टेप्स, एंड n2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेजेस विथ 3 स्पीड स्टेप्स। सो ये फार्मूला में हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो 6 रखना है और राइट हैंड साइड में जो आंसर है वो भी 6 आना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है। सो इफ n1 इज 1 एंड n2 वी आर गोइंग टू टेक एज 1, देन 2^1 दैट इज 2, 3^1 दैट इज 3, सो 2 × 3 वी विल गेट आंसर 6। मीन्स देयर विल बी अ स्टेज n1 इज 1 मीन्स देयर विल बी अ स्टेज हैविंग 2 स्पिंडल स्पीड्स, एंड n2 इज 1 मीन्स देयर विल बी अ स्टेज हैविंग 3 स्पिंडल स्पीड्स। सो हमारा जो एडिशन है n1 एंड n2 का दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस आ गए 2। एक स्टेज में 2 स्पिंडल स्पीड स्टेप्स है और दूसरी स्टेज में 3 स्पिंडल स्पीड स्टेप्स है, ऐसा ये मीनिंग हो रहा है। सो हमें 2 स्टेज गियरबॉक्स यहाँ पर अभी डिज़ाइन करना है। सो
प्रोसीडिंग फर्दर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूली लिखने हैं. स्ट्रक्चरल फॉर्मूलीज कैसे लिखते हैं? सो फॉर दैट यू विल नीड द वैल्यूज ऑफ P1, P2, X1, X2. सो P1 इन प्रीवियस स्लाइड हमने तो कैलकुलेट किया है, P1 इज 2 एंड P2 इज 3. जो पहला स्टेज है उसमें 2 स्पीड स्टेप्स है और जो दूसरा स्टेज है उसमें 3 स्पीड स्टेप्स है. सो X1 क्या लेते हैं हम? हर वक्त हमें X1 क्या लेना है? हर समय हमें X1 का वैल्यू लेना है 1, और जो X2 का वैल्यू है वो हम लेते हैं P1. इन केस X3 हमें अगर लिखना हो, यानी 3 स्टेज गियरबॉक्स हो, तो वो आता है द प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 लाइकवाइज. ओके, सो हमारे केस में तो हमें X1 लेना है 1 और X2 लेना है P1. सो X1 इज 1 एंड X2 इज P1, दैट इज 2. सो हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो हो गया 2 (1, 3)(2). अगर अभी मैं P1, P2 या X1, X2 का पोजीशन चेंज करता हूँ, तो हाउ मेनी सच फॉर्मूलीज आई कैन राइट. सो लेट अस सी. सो मैंने क्या किया है, अभी P1 और P2 का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दिया. अभी मैं X1 और X2 का अगेन पोजीशन चेंज कर रहा हूँ. अगेन चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ P1, P2 मीन्स आई हैव गॉट 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलीज फॉर द सेम 6 स्पीड गियरबॉक्स. सो रिमेंबर, वी विल गेट n फैक्टोरियल स्क्वायर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलीज. यानी ये 2 स्टेज गियरबॉक्स है, इसके लिए 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इतना स्ट्रक्चरल फॉर्मूलीज आने वाला है. यानी 2 × 1 (²), दैट इज 4. सो वी हैव गॉट दीज 4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलीज फॉर द गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए हमें इतने स्ट्रक्चरल फॉर्मूलीज के कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं. सो अभी जो हम सेकंड एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं P1 एज 3 एंड P2 एज 2. सो अगर ये फॉर्मूला हमें लिखना है तो X1 X2 का वैल्यू जो है वो क्या आता है वो एक बार हम देख लेते हैं. सो X1 इज 1 एंड X2 कम्स आउट टू बी P1 विच इज 3. सो अगेन अगर ये कंसिडरेशन में करता हूँ, सो जेड इज 2 (1, 3)(3), जेड का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हम लिख सकते हैं 2 (1, 3)(3). तो ऐसे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल फार्मूलीज में लिख सकता हूँ. सो अगेन जेड इज इक्वल्स टू 3 (1, 2)(3), जेड इज इक्वल्स टू 2 (3, 3)(1), एंड जेड इज इक्वल्स टू 3 (3)(2)(1). सो अगेन ये 4 स्ट्रक्चरल पॉसिबल फॉर्मूलीज है जो मैं लिख सकता हूँ. सो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स ये सब फॉर्मूले के लिए निकलना है या ड्रॉ करना है? सो द आंसर इज नो. जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलीज फिजिबल है उनके लिए ही हमें स्ट्रक्चरल डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं. सो हाउ टू डिसाइड दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज फिजिबल और नॉट? सो फॉर दैट there are some rules. So the first rule is z/PK (XK) must be an integer. The second is PK (XK) must be less than or equals to 6. In our case, the generalized formula is PK(XK) must be less than or equals to z. In our case it is, it must be less than or equals to 6. So the third is the value of X1 must be greater than X2, it must be greater than X3 likewise. So X1 must be least, and the last stage the value of X must be greater, or it should be the greatest of all. ये हमारे जो structural formulas है in previous slide जो हमने निकाले थे, तो उसमें से जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वो फॉर्मूलीज अगर आप देखें, तो वो फॉर्मूलीज में z/PK (XK) इज़ नॉट एन इंटीजर. मीन्स व्हाट?
अगर हम देखने जाए सेकेंड स्टेज में जो फॉर्मूला है दैट इज़ 2 ब्रैकेट 2, सो पी टू एक्स टू का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आ रहा है 4 और जेड है 6, सो 6/4 ये अगर हम करने जाए सो द आंसर विल बी 1.5, सो इट इज़ not a complete integer, hence this formula is not feasible. अगर यही बात हमें फर्स्ट स्टेज के लिए देखने जाए तो फर्स्ट स्टेज का जो पी के इंटू एक्स के का जो प्रोडक्ट है यानी पी वन एक्स वन का जो प्रोडक्ट आ रहा है इट इज़ 3, सो 6/3 इट इज़ 2 कम्प्लीट इंटीजर, राइट। सो सिमिलरली ये सेकेंड स्टेज में अगर अप्लाई किया तो इट इज़ नॉट एन इंटीजर, हेंस द एंटायर फार्मूला इज़ नॉट फिजिबल। जो नेक्स्ट फार्मूला है उसमें भी यही प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट स्टेज के लिए पी के इंटू एक्स के दैट इज़ पी वन इंटू एक्स वन का जो प्रोडक्ट है इट इज़ 4, सो 6/4 इट कम्स आउट टू बी 1.5, हेंस द सेकेंड फार्मूला इज़ नॉट फिजिबल। सो जो फर्स्ट फार्मूला है वो भी फिजिबल है, जो फोर्थ फार्मूला है वो भी फिजिबल है। हमने और एक सेट लिखा था स्ट्रक्चरल फार्मूलीज का, हमने एक और जो सेट लिखा था स्ट्रक्चरल फार्मूलीज का उसके लिए भी हम यही 3 रूल्स अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। सो इफ यू विल सी इन द फर्स्ट फार्मूला द प्रोडक्ट ऑफ पी टू इंटू एक्स टू दैट इज पी टू इज 3 एंड एक्स टू इज अगेन 3, सो 3 3s are 9, सो इट इज ग्रेटर दैन 6, हेंस दिस फार्मूला इज नॉट फिजिबल। So similarly, the last formula is having p1 x1 as 3 3, that is 3 3s are 9, hence also this formula is not feasible. So what are the structural formulas which are feasible then? So ये चार formulas है। So पहला set में जो हमने first और fourth formula लिखा था वो feasible है, और जो सेकेंड सेट में सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला है दैट इज़ फिजिबल अकॉर्डिंग टू आर रूल। सो ये चार फॉर्मूलीज के लिए, ये जो चार फिजिबल फॉर्मूलीज है उनके लिए हमें स्ट्रक्चरल डायग्राम्स निकालने होंगे। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। सो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स के लिए हम पहले क्या करते हैं, सो ड्रॉ the horizontal lines equals to the number of speeds. So total number of speeds है हमारे केस में 6. So हमें 6 parallel horizontal lines draw करने हैं जो हमारे screen के ऊपर अभी दिख रहे हैं, जैसे हमारे screen के ऊपर अब हमें दिख रहे हैं। Then the next step is to draw the vertical lines. How many vertical lines you should draw? So you should draw the vertical lines equals to number of stages plus 1. हमारा गियर बॉक्स है 2 स्टेज, सो 2 + 1 दैट इज 3, हमें 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट वर्टिकल लाइन मस्ट बी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट्स ऑफ द हॉरिजेंटल लाइंस दैट वी हैव ड्रॉन। जो हॉरिजेंटल लाइन हमने ड्रॉ किए उनके शुरुआत में ही हमें पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, दूसरा वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करना है एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द हॉरिजेंटल लाइंस, एंड तीसरा वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करना है एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजेंटल लाइंस थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस हॉरिजेंटल लाइन। सो ये तो ढांचा बन गया, ये तो स्ट्रक्चर बन गया स्ट्रक्चरल डायग्राम का। हॉरिजेंटल लाइंस यानी नंबर ऑफ स्पीड स्टेप्स, हॉरिजेंटल लाइंस इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ स्पीड स्टेप्स, और वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं शाफ्ट्स। सो देर आर एन प्लस वन नंबर ऑफ स्टेजेस प्लस वन, इतने शाफ्ट्स हमारे जो गियर बॉक्स है उसमें रहते हैं। सो 3 वर्टिकल लाइंस एंड 6 हॉरिजेंटल लाइंस वी नीड टू ड्रॉ। सो अभी हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चरल डायग्राम का ढांचा हमने बनाया उसके नीचे यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। सो जो पहला ब्लॉक आ रहा है, ये जो पहला ब्लॉक है उसके नीचे हम स्टेज वन का जो फॉर्मूला है वो लिखने वाले हैं, और जो दूसरा ब्लॉक है उसके नीचे हम स्टेज 2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम हम
फर्स्ट फॉर्मूले के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मूले के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके नीचे मैंने लिखा है 2(1) और जो सेकंड ब्लॉक है उसके नीचे मैं लिखने वाला हूँ 3(2). सो हमें स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है? सो फर्स्ट स्टेज के लिए ये जो पहला ब्लॉक दिख रहा है हमें ये ढांचे का, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेज वन, और जो दूसरा कॉलम है, जो दूसरा ब्लॉक है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेज टू। सो स्ट्रक्चरल डायग्राम हमें ड्रॉ करते वक्त कैसे शुरुआत करनी है, कैसे निकालना है? सो हमें पहले सेलेक्ट करना होता है एक नोड पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो नोड है वो हमें ड्रॉ करना है। जो नोड है वो हम ड्रॉ किधर करेंगे? सो एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट वर्टिकल लाइन। जो पहला वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है उसके सेंटर में हम नोड ड्रॉ करने वाले हैं। सो आई हैव ड्रॉन द नोड एग्जैक्टली एट द सेंटर। ये नोड्स में से, ये हर एक नोड जो हम ड्रॉ करने वाले हैं उसमें से कुछ लाइंस हमें फिर से ड्रॉ करनी है। सो फॉर प्रेजेंट केस, अभी के लिए हमारा जो नोड है उसमें से कितने लाइंस हमें ड्रॉ करने हैं, तो हमने ये लिखा है ये ब्लॉक के नीचे। सो यू नीड टू ड्रॉ पी नंबर ऑफ लाइंस। पी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? पी और पी वन जो हम बोल रहे हैं इसका वैल्यू है 2। सो यू नीड टू ड्रॉ 2 लाइंस फ्रॉम दिस नोड। ये नोड से हमें 2 लाइन ड्रॉ करने हैं। तो 2 लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो एंड कहाँ पर होंगी? सो दे द 2 लाइंस विल एंड ऑन द सेकेंड वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन पर वो क्या होने वाली है? वो एंड होने वाली है। सो जब एंड होंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहने वाला है? तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये x वैल्यू। सो x1 इज 1। सो जब ये हॉरिजेंटल जो लाइंस हम ये नोड में से निकालने वाले हैं वो ख़त्म होने वाली है सेकेंड वर्टिकल लाइन पर, और ख़त्म होने के बाद दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये एक ब्लॉक का होना चाहिए। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 ब्लॉक यहाँ पर बने हैं। सो जो नोड है ये नोड में से हमें क्या करना है? अभी 2 लाइंस निकालने हैं। 2 लाइंस निकालने के बाद उनके जो एंड पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? वो एक ब्लॉक का होना चाहिए। सो ये एक ब्लॉक का डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो जो इनपुट शाफ्ट है, जो पहला शाफ्ट है या जो पहला वर्टिकल लाइन है उसमें से हमने 2 लाइंस ड्रॉ किए, और जब वो ख़त्म हुए हैं सेकेंड वर्टिकल लाइन पर तो उनके एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो है एक ब्लॉक का। सो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम जब भी ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा डायग्राम है वो सिमेट्रिक आना चाहिए, जितना पॉसिबल हो वो सिमेट्रिक आना चाहिए। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेज का। अभी सेकेंड स्टेज के लिए फॉर्मूला है 3(2). सो मैंने सेकेंड ब्लॉक के नीचे फॉर्मूला लिख दिया 3(2). सो हर एक जो नोड हमारे सेकेंड वर्टिकल लाइन पर या इंटरमीडिएट शाफ्ट पर आ रहा है, सो रिमेंबर दिस, द फर्स्ट वर्टिकल लाइन इज इनपुट शाफ्ट, द सेकेंड वर्टिकल लाइन इज इंटरमीडिएट शाफ्ट, एंड द थर्ड वर्टिकल लाइन इज आउटपुट शाफ्ट। सो इनपुट शाफ्ट और इंटरमीडिएट शाफ्ट ये हो गया पहला स्टेज, इंटरमीडिएट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट ये हो गया सेकेंड स्टेज। यानी अब हम जो स्ट्रक्चरल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो सेकेंड स्टेज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। सो हर एक नोड से कितने लाइंस इमर्ज होने वाले हैं? सो हर एक नोड से पी नंबर ऑफ लाइंस इमर्ज होने वाले हैं। सो पी टू का वैल्यू कितना है? द पी टू वैल्यू इज 3। सो जो नोड है यहाँ पर प्रेजेंट सेकेंड वर्टिकल लाइन पर, ये हर एक नोड में से 3 लाइंस हमें अभी ड्रॉ करने हैं, और ये 3 लाइंस ख़त्म कहाँ पर होने वाले हैं? सो दी 3 लाइंस विल एंड और विल फिनिश ऑन दिस थर्ड वर्टिकल लाइन, यानी आउटपुट शाफ्ट पर ये 3 लाइंस ख़त्म होने वाले हैं। सो ये 3 लाइंस जब ख़त्म होंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? सो इट शुड बी ऑफ टू ब्लॉक्स। सो वेन एवर इट कम्स टू 3 लाइंस फ्रॉम अ नोड पॉइंट, जब भी हमें एक नोड से 3 लाइन ड्रॉ करने हैं तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है कि
तीन लाइंस ड्रॉ करते वक्त जो पहली लाइन है वो हम ड्रॉ करेंगे परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एज शोन ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है तो वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। देन ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसके एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ हमें दो ब्लॉक का डिस्टेंस मेजर करना है और नीचे की तरफ दो ब्लॉक का डिस्टेंस मेजर करना है, और जो नेक्स्ट एंड पॉइंट से, जो नेक्स्ट नोड पॉइंट से हमें वो ड्रॉ करने हैं। सो ऊपर के तरफ दो ब्लॉक और नीचे की तरफ दो ब्लॉक, ऐसे मैंने डिस्टेंस लेके क्या किया, नोड पॉइंट मार्क किए। नाउ जॉइन द इनिशियल नोड पॉइंट प्रेजेंट ऑन द इंटरमीडिएट शाफ्ट विद द नोड पॉइंट्स दैट वी हैव ड्रॉन ऑन द आउटपुट शाफ्ट। सिमिलर प्रोसीजर हमें फिर से रिपीट करना है, जो बचा हुआ नोड पॉइंट है अपना, बचा हुआ नोड पॉइंट है इंटरमीडिएट शाफ्ट के ऊपर यानी सेकेंड वर्टिकल लाइन के ऊपर, जो हमें नोड बचा हुआ है उससे भी तीन लाइंस ड्रॉ करने हैं। सो पहला लाइन तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, उसके बाद जो नोड पॉइंट आ रहा है उससे ऊपर की तरफ दो और नीचे की तरफ दो, ऊपर की तरफ दो और नीचे की तरफ दो ब्लॉक का डिस्टेंस हमें काउंट करना है, मेजर करना है, और उसके बाद वी नीड टू ड्रॉ द लाइन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फर्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2-1-3-2। सो सेम प्रोसीजर हम रिपीट करने वाले हैं बाकी के स्ट्रक्चरल डायग्राम्स के लिए भी। सो विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द सेकेंड फॉर्मूला 3-2-2-1। 3-2-2-1 के लिए हमें स्ट्रक्चरल डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो रिपीट द सेम प्रोसीजर, हमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने हैं। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ जेड नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, मींस 6 नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन प्लस वन वर्टिकल लाइंस, दैट इज 2+1, 3 वर्टिकल लाइंस। पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट ऑफ द वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड तीसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एट द एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिलो द फर्स्ट ब्लॉक फॉर द फर्स्ट स्टेज, इट इज 3-2। देन मार्क द नोड पॉइंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट वर्टिकल लाइन। सो मैंने ये जो नोड पॉइंट मार्क किया है उसके ऊपर भी आप देखें तो 2.5 ब्लॉक का डिस्टेंस है और नीचे भी 2.5 ब्लॉक का डिस्टेंस है, 2.5 ब्लॉक का डिस्टेंस। सो ये नोड से हमें अभी तीन लाइंस ड्रॉ करनी है। सो P1 इज 3, हेंस वी नीड टू ड्रॉ 3 लाइंस फ्रॉम द नोड ऑन द इनपुट शाफ्ट, और जो पहला वर्टिकल लाइन है उस पे से हमें तीन लाइंस ड्रॉ करने हैं। वो ख़त्म होंगी इंटरमीडिएट शाफ्ट पर यानी सेकेंड वर्टिकल लाइन पर, तब उनमें जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 2 ब्लॉक का, सो ड्रॉ द फर्स्ट लाइन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो नोड हमें मिला है उसके ऊपर हमें 2 ब्लॉक का डिस्टेंस मेजर करना है और उसके नीचे भी 2 ब्लॉक का डिस्टेंस, ऊपर भी 2 ब्लॉक का डिस्टेंस और नीचे भी 2 ब्लॉक का डिस्टेंस, ऐसे हमें 2 ब्लॉक छोड़ के नोड पॉइंट मार्क करने हैं। सो हाफ देन 1 अगेन हाफ, सो हाफ ऑफ 1+1 2 ब्लॉक का डिस्टेंस ऊपर, 2 ब्लॉक का डिस्टेंस नीचे, हमने नोड पॉइंट मार्क कर लिया है। सो जॉइन द नोड पॉइंट्स विद द सॉलिड लाइंस। देन फॉर सेकेंड स्टेज द फॉर्मूला इज 2-1। सो हर एक नोड से हमें 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं और 2 लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है एट द एंड पॉइंट्स, और जो एंड पॉइंट्स है ये 2 लाइंस के, उनमें जो डिस्टेंस होगा ये 1 ब्लॉक का होगा। सो हर एक नोड पॉइंट के लिए सेकेंड स्टेज में हमें अभी 3 नोड पॉइंट्स दिख रहे हैं, सेकेंड शाफ्ट पर हमें अभी 3 नोड पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो हर एक नोड पॉइंट से हमें जो लाइन्स है वो ड्रॉ करनी रहती है, तो हर नोड से हमें 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है और उनके एंड पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा वो 1 ब्लॉक का होगा। सो आई हैव ड्रॉन दी
I have drawn the two lines from each node and the distance between the end points of these lines is of one block.